हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो अभी हम हैं जमाली कमाली मस्जिद में, और ये बेसिकली यहाँ पर मस्जिद है और बहुत बड़ा सा पार्क है। और जमाली कमाली मस्जिद में एक्टर सलमान खान का मूवी सुल्तान जो था वो यहाँ पर शूट किया गया था। और यहाँ पर कुछ आज के दौर में लोग कहते हैं यहाँ पर भूतैया जगह है, थोड़ा सा ये हॉन्टेड प्लेस बना दिया, थोड़ा सा ये जंगल टाइप है एरिया। एक बार कैमरा घुमाकर इस साइड में दिखाएं तो थोड़ा सा आपको जंगली जगह दिखेगा, जंगल से भरा हुआ मतलब। और ख़ासतौर पर यहाँ पर एक जमाली कमाली मस्जिद है और उसी में सलमान खान की मूवी सुल्तान को शूट किया गया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं और भी अंदर क्या क्या हुआ था वो भी देखेंगे, और तो वीडियो शुरू करते हैं फिर हम। तो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जमाली कमाली आएंगे कैसे? अगर आप मेट्रो से आते हैं तो मेट्रो स्टेशन जो नज़दीक में है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और आप अगर बस से आते हैं तो आपके इलाके से, आपके जो एरिया से जो बस आते हैं उनसे भी आप आ सकते हैं। और आप अगर इस एरिया में रहते हैं तो आप पैदल भी चलकर आ सकते हैं। आने के बाद दो रास्ता दिखता है, एक ये सामने इधर जा रहा है और एक इधर। तो ये जो रास्ता इधर जो जा रहा है, जिस तरफ मैं अपने कैमरे को मोड़ रखा हूँ, तो ये जमाली कमाली की ओर जाता है। और ये इधर भी कुछ किले हैं, कब्र हैं, कब्रिस्तान ज़्यादा इधर, तो ये रास्ता इधर जाता है। लेकिन जमाली कमाली मस्जिद इस वाले रास्ते में होता है। उससे पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगे हुए हैं, महरौली कॉम्प्लेक्स उद्यान फेस फर्स्ट, इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ, आप पढ़ लें। तो हम चलते हैं मस्जिद की तरफ, जमाली कमाली जो मस्जिद है उधर देखेंगे। बहुत ही सुकून का है जगह ये, अभी तक एकदम शांति हमें जगह दिख रहा, कोई है नहीं। इसी वजह से मैं पहले भी कहा आपको, तो आप आएँ तो अकेला नहीं है, एक दो बंदा ज़रूर आएँ, साथ में ज़रूर आएँ बिल्कुल। तो यहाँ से ये वाली रास्ता जाती है इस तरफ, और उससे पहले एक गेट है, ये जो गेट अभी बंद है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, यहाँ बस है, बता रहा है कि जमाली कमाली मस्जिद, एरो का निशान बना हुआ उस साइड में, और नीचे में कुली खां का मकबरा, और नीचे में है उसके नीचे राजाओं की बावली। मतलब तीन चीज़ दिख रहा है इधर, जमाली कमाली मस्जिद भी है, कुली खां का मकबरा भी है, और राजाओं की बावली भी है। तो ये वाला रास्ता जाता है, और चलकर देखते हैं सबसे पहले जमाली कमाली जो मस्जिद है। रास्ता थोड़ा सा पत्थर का बना हुआ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जमाली कमाली मस्जिद के नज़दीक में। और ये जो पीछे में आपको गेट दिख रहा है, ये जमाली कमाली का एंट्री पॉइंट है, अंदर मस्जिद है। और सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं। और ये वही जमाली कमाली मस्जिद है, इसका जमाली कमाली मस्जिद में आने के बाद एक यहाँ पर सिंगल दरवाज़ा जिससे हम आए हैं। और मस्जिद का जो दरवाज़ा है, पांच दरवाज़ा है, और बीच का जो दरवाज़ा दिखता है इसमें एक गुंबद भी बना हुआ है। और ये मस्जिद 1528 में मुग़ल सम्राट बाबर के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद है, और यहाँ पर एक्टर सलमान खान की जो सुल्तान मूवी है वो यहाँ पर आकर यहाँ पर शूट भी किए थे। और यहाँ पर एक थोड़ा सा हौज टाइप में बना हुआ, यहाँ पर जो सुल्तान मूवी है उसके लिए यहाँ पर, इस मूवी में सलमान खान यहाँ पर कपड़ा धोते हुए नज़र आते हैं। आप अगर याद करें तो आप देखें, इसमें पानी हुआ करती थी उस वक्त, अभी भी बरसात के दिनों में पानी आ जाती है, लेकिन अभी सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कुश्ती भी लड़ा गया था सुल्तान मूवी। ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है इधर, जमाली कमाली के जो कब्रिस्तान है इसी दरवाज़े के अंदर है, लेकिन ये दरवाज़ा आज के दौर में ये दरवाज़ा के पास लॉक लगा हुआ रहता है, आप अगर आते हैं तो इसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ पर पहले से आपको बंद पड़ा हुआ मिलेगा। और इसमें जमाली कमाली के अलावा और भी लोगों का कब्रें हैं, और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं ये जो कब्रें हैं। और इधर भी कुछ कब्रें, दो कब्रें इधर भी है। तो
तो जमाली कमाली के बारे में बताया ये भी जाता है कि ये जो थे उस वक्त के अपने समय के, जैसे हुमायूं थे, बहलोल लोधी थे, अकबर थे, तो उस टाइम के जमाली कमाली जो थे उस समय में बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, मतलब शायरी ये सब का बहुत शौकीन थे और बहुत बड़े कवि थे ये सब के, कुछ लिखा करते थे। और जमाली कमाली के अंदर हम चलते हैं तो ये मस्जिद की जो डिज़ाइन है आर्किटेक्ट बहुत ही आज के दौर में देखा जाए तो इस तरह का बनाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। पहले के दौर में ये इस तरह का डिज़ाइन बनाना कितना आसान होता होगा, मतलब लोग जो बनाते होंगे। और कुछ यहाँ पर अरबी में भी लिखा हुआ है। तो अभी हम जमाली कमाली मस्जिद के बाहर आ गए हैं और अब चलते हैं आगे। आगे में है राजाओं की बौली, और भी कुछ होगा तो वो भी हम दिखाएंगे। तो चलते हैं राजाओं की बौली की ओर, ढूंढते हैं किस तरफ में पड़ता है और आपको हम दिखाते हैं फिर उधर चलकर। तो फाइनली हम अभी आ गए हैं राजाओं की बौली के पास, और राजाओं की बौली के पास आए तो यहाँ पर गार्ड जो थे वो उन्होंने बताया कि यहाँ 2 साल से ये बंद पड़ा हुआ है, अंदर जाने का कोई जगह नहीं है, नहीं जा सकते, यहाँ लॉक लगा हुआ। भी आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले राजाओं की बौली बाहर से कैसा दिखता है। देखें ये मेन गेट था, यहाँ पर एंट्री का था जगह, लेकिन यहाँ पर ताला लगा पड़ा हुआ है और एंट्री का कोई ऐसा पॉइंट है भी नहीं, हम जा सकते कहीं से। लेकिन अंदर का आप व्यू देखें, बारिश की पानी भी है, बारिश का पानी निकलने का कोई जगह भी नहीं होता है, इस वजह से इसे बंद भी कर दिया गया है, किसी तरह से मंदिर नहीं जा सकते हैं। लोधी गार्डन तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन जमाली कमाली जो मस्जिद से कुछ दूर आने के बाद ये आपको टॉम भी दिखेगा, और कब्रिस्तान भी है यहाँ पर काफ़ी सारा। राजाओं की बौली और लोधी टॉम, वहाँ पर दो था, एक तो बंद था राजाओं की बौली, बंद पड़ा हुआ 2 साल से, लेकिन लोधी टॉम में तो हम गए और वहाँ पर आपको दिखाएं भी, और अब आगे भी देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर मिलते हैं और आपको फिर बताएंगे। तो यहाँ पर जो हॉन्टेड के लिए कहा जाता है, हमें लगता है जहाँ तक हॉन्टेड इसलिए बन गया ये जगह, यहाँ पर काफ़ी सारा जंगल है, मतलब यहाँ पर झाड़ बहुत ज़्यादा है, जंगली पेड़ है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिस तरफ हम जाएं तो उस तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेगा हमें, इस वजह से लगता है ज़्यादा यहाँ पर हॉन्टेड हो चुका है ये जगह। और कहीं पर हम जाते हैं तो यहाँ पर लोग बहुत कम ही दिखते हैं, और इस तरह का जंगल जो है पता ही नहीं चल रहा कहाँ हम आ गए हैं, कभी ऐसा पूरा खाली सुनसान दिख रहा, हमारे आगे भी कोई नहीं दिख रहा, हम इधर भी देखें तो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, मतलब इधर भी देखें आप पूरा सुनसान है ये जगह बिल्कुल। तो इस वीडियो को हम यहीं आज चाहेंगे एंड करने के लिए, और अभी असर का वक्त हो गया था तो मैंने यहाँ पर मैं नमाज़ भी पढ़ लिया, और मस्जिद सुहेल वली, ये जो मस्जिद पीछे में दिख रहा है ये वही मस्जिद है जिसमें मैंने अभी नमाज़ पढ़ा, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, और ये मस्जिद टूटी पड़ी हुई है, अभी जमाली कमाली के अंदर आता है तो एक ही मस्जिद है जहाँ पर अभी भी नमाज़ होती है, जमात के साथ भी नमाज़ होती है और जुमे की भी नमाज़ होती है और बाकी 5 टाइम का भी नमाज़ यहाँ पर अभी भी होती है। तो मस्जिद सुहेल वली ये इस मस्जिद का नाम है, ये जो दिख रहा इसके एंट्री पॉइंट जो है, यहाँ से थोड़ा सा आगे हम इधर जाते हैं तो वहाँ पर से जाने का रास्ता है, वहाँ से हम आसानी से जा सकते हैं। और आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ख़राब लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं ख़राब लगा, ये सब बताएं तब हमें पता चलेगा कि और इससे अच्छा वीडियो बनाने की ज़रूरत है हमें, ताकि हमें हौसला भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरह अगले ब्लॉग में, जब तक लिए दीजिए हमें इजाज़त।